हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टेको भारत। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आपके समक्ष हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दो तथ्यों के बारे में बताऊँगा, दो पॉइंट्स इस वीडियो में मैं कवर करूँगा जो नई नॉलेजबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो लोग 10 से 15 साल के वाहन यूज़ कर रहे हैं या उनके वाहन पूरे होने वाले हैं, तो उन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको क्लियरिटी अच्छी मिल पाएगी कि अब पॉलिसी क्या आ रही है। तो इस बारे में आगे चर्चा शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, नई एक एडवाइजरी, नई एक गाइडलाइंस है 10 से 15 साल पुराने वाहनों में। जैसा कि हमको पता है कि 10 से 15 साल के बाद हर स्टेट में वेरी करता है, 5 साल का एडिशन रजिस्ट्रेशन होता है कि जिसको, जैसे डीजल का 10 साल और पेट्रोल का 15 साल, जिसको पूरा हो गया उसको एडिशन 5 साल के लिए और रजिस्ट्रेशन मिलता है। लेकिन अब नई गाइडलाइंस यह है कि जिनके वाहन 10 से 15 साल हो चुके हैं दिल्ली एनसीआर को छोड़कर, जहाँ पे 5 साल का रजिस्ट्रेशन हो जाता था, वहाँ भी अब मुश्किल हो गई है। क्योंकि वहाँ पर भी आरटीओ आपको मना कर सकता है, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि अब जो BS4 के जो इंजन है, मतलब BS4 की जो गाड़ियां हैं, BS1, BS2, BS3, BS4, अब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 13 अगस्त 2020 में ये लागू किया गया, ये एक गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी की गई कि अब अगर इस इंजन के तक के इंजन हैं, मतलब BS4 तक के इंजन हैं जिन गाड़ियों के, उनके रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होंगे। इवन नई गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना वो खरीदी जा सकती ना ही वो बेची जा सकती, क्योंकि अप्रैल 2020 से BS6 इंजन मार्केट में लॉन्च किया गया है, जिसमें अब BS6 ही खरीदी जा रही है, बेची जा रही है और उन्हीं का ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। क्योंकि ये खबर तो सबको पता है कि दिल्ली एनसीआर में 10 से 15 साल के वाहन नहीं चलेंगे, लेकिन कुछ स्टेटों में एनसीआर को एक्सक्लूड करके दूसरे स्टेट्स में 10 से 15 साल के वाहनों पे अलग से रजिस्ट्रेशन हो जाता था। 5 साल 3 साल का एक एडिशन रजिस्ट्रेशन किया जाता था, फिटनेस मिल जाती थी प्राइवेट व्हीकल को, लेकिन अब आरटीओ आपको मना कर सकता है। ये हो क्यों रहा है, इसका मैं आप दूसरा कारण बताता हूँ। मैंने 2 पॉइंट की बात करी थी, पहला पॉइंट आपका इसमें कवर हुआ और ये पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट पर वैल्यूबल है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एक स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रही है। स्क्रैपिंग पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसमें 10 से 15 साल के वाहन को स्क्रैप किया जाएगा, मींस कि उनको बिल्कुल रोड से हटा दिया जाएगा। कम से कम इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 करोड़ वाहन इसके अंदर सम्मिलित हैं। अगर ये 3 करोड़ वाहनों को एकदम रोड से हटाया जाएगा तो नए वाहनों की डिमांड बढ़ेगी और ऑटो सेक्टर को ऊपर लाया जा सकता है। ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ सकती है, नई गाड़ियों की जब डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी डिमांड होगी। तो गवर्नमेंट इसको, स्क्रैपिंग पॉलिसी को लाने का इसका मेन कारण यही है कि 10 से 15 साल के वाहनों को बिल्कुल कंप्लीटली हर स्टेट से हटा दिया जाए, जिससे नए वाहनों को बेचा जा सके मार्केट में और एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके और ऑटो सेक्टर ऊपर जा सके। तो यह गवर्नमेंट चाहती है कि पॉलिसी स्क्रैपिंग को लाए। तो दोस्तों, इस कारण आपके 15 से 10 साल के वाहन रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आरटीओ ऑफिस में आरटीओ आपको मना कर सकता है। अब थर्ड केस ये है कि अगर आपके वाहन को 10 या 15 साल हो चुके हैं, डीजल को 10 और 15 को, 15 पेट्रोल को, तो बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल भी रोड पे उसको ना चलाएं, उसको खुद ही स्क्रैप करा दें, क्योंकि उसमें आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। अगर इन द केस आपके वाहन को गवर्नमेंट का कोई सिपाही, पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला,
या आरटीओ वाला कोई भी आपको पकड़ लेता है तो उस गाड़ी को वो सीज कर देगा, जब्त कर देगा। इवन आप उस गाड़ी को नहीं छुड़ा पाओगे। जब उस गाड़ी को नहीं छुड़ा पाओगे हो सकता है इवन आपके ऊपर चार्जेस लग सकें, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाना एक तरीके से गैर कानूनी है। उसके ऊपर 10,000 का फाइन प्लस 3 साल की सजा का प्रावधान है कानून के अंदर। तो दोस्तों ऐसा कुछ ना करें, और अगर आपका वाहन पूरा हो गया है तो उसको कम से कम अपने ही जहाँ पे रजिस्टर स्क्रैपिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे इसको स्क्रैप कराएं और वहाँ से रिसीविंग ले लें, और वो आपकी गाड़ी को आपके कबाड़ के वैल्यू को तोल के आपको पैसे दे देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दो चीज़ों मैंने क्लियर की कि जो अब 10 से 15 साल के वाहन जो अदर स्टेट में रजिस्टर हो जाते थे एडिशन वैल्यू के साथ 3 और 5 साल के लिए, अब वो बंद हो जाएंगे, और प्लस गवर्नमेंट की स्क्रैपिंग पॉलिसी अब आ रही है तो वो स्क्रैप करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।